The goal of a successful trader is to make the best trades. Money is secondary. Alexander Elder. Good morning, friends. Currency Daily Analysis पे आप सभी का स्वागत है. आज 27 जनवरी 2023. कल हमारे इंडियन मार्केट क्लोज था ड्यू टू रिपब्लिक डे, बट ग्लोबल मार्केट्स आर ऑन. तो आइए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है. As expected, dollar index consolidating in a very narrow range, currently at 101.78. कल नीचे आपका 101.50 तक गया था. 1st of February FOMC rate decisions के लिए market is waiting for. We need to wait and watch till that time. इन डॉलर रुपी ऑल्सो हमारे मार्केट में कुछ एक्टिविटीज नहीं था, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में इट ट्रेडेड इन बिटवीन 81.54 एंड 81.35. ऑल्दो हियर इट इज शोइंग द करंट मार्केट एट 81.40, बट इन अदर प्लेटफॉर्म इट इज शोइंग 81.50 लेवल्स. सो इट इज एक्सपेक्टेड टू ओपन अराउंड 81.50 लेवल्स. thereby इट इज expected to behave within the range of 81.00 on the lower side and 81.90 on the higher side. In that range only, sell upticks and the higher ends may be considered for making some easy bucks. GBP dollar 1.2403 ये भी consolidate कर रहा है at the crucial resistance level. सो और थोड़ा इंतजार रहेगा. जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन उतना ही ज़्यादा ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड. सो हमें इंतजार रहेगा. वी शुड बी रेडी फॉर आइदर साइड ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड एज वेल एज ऑन द लोअर साइड. जीबीपी आईएनआर 101.04 ये भी 60 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है. जब तक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के नीचे नहीं क्लोज दे देता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं दे देता है, तब तक सेलिंग के लिए नहीं सोचना है. यूरो डॉलर 1.0888 ये डेली पे अबोव 60 बुलिश मोड पे है. वीकली में भी अच्छा खासा 68.40 लेवल पे है. मंथली इज साइडवाइज नाउ एट 49.23. दैट मींस द केस इसमें आपका बोथ साइड ऑन हायर टाइम फ्रेम बोथ साइड रेंज आर देयर बिकॉज द मंथली एट 450 लेवल्स. सो यहाँ पे बाई डिप्स में भी कंसिडर्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस. यूरो आईएनआर अभी है 88.73. ये बेसिकली एक टिपिकल रेजिस्टेंस के लिए बैठे हुए हैं, मीन्स रेजिस्टेंस लेवल पे बैठे हुए हैं. आपका मल्टीपल डाइवर्जेंसेस आर देयर. दैट बीइंग द केस we need to wait for the trend line break down on the lower side for a good trended move. ek chota sharp wala jo trend line support hai is this one. color ko thoda blackish kar lete hain this ko. so jab tak ye black trend line ke niche close nahi de deta hai, तब तक हमें शॉर्ट के लिए सोचना नहीं है, इंतजार करना है. डॉलर येन 129.71 ये बेसिकली 131.25 ऑन द हायर साइड एंड 127.25 ऑन द लोअर साइड के रेंज के अंदर में ही फंसा हुआ है. जब तक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज नहीं दे देता है एंड फॉलो थ्रू नहीं कर देता है, तब तक अपसाइड हम देख नहीं सकते. On the higher side, immediate resistance at 131.25 area. On the lower side, although the room is there 127.25, लेकिन यहाँ पे RSI हमें देखने वाला बात है कि क्या ये range shift कर रहा है on daily time frame. We need to wait and watch. Yen INR आपका हमें इंतजार था, ये multiple divergences, range shift and sell off के लिए, लेकिन ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के नीचे कन्विंसिंगली क्लोज नहीं दिया है. रेदर प्राइस एक बार आया था नीचे, लेकिन कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही थोड़ा सा प्राइस एक्शन बिल्डअप करने का प्रयास कर रहा है.
हमें इंतजार रहेगा एक बिग नेगेटिव कैंडल. अगर होता है इन इन सच ए सिचुएशन वी कैन प्ले फॉर ए शॉर्ट पोजिशनिंग. डॉलर कैंडी 1.3320 अपना जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल था 1.3325 उसके नीचे कल क्लोज दिए चुका है. तो हमें अभी इंतजार रहेगा 1.3225. काफ़ी टाइमों से हम इंतजार कर रहे हैं इस टारगेट के लिए. एक बार उस टारगेट में टारगेट को आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टारगेट जो एक बिगर टारगेट होगा वीकली का मंथली वीकली का आपका आउटसाइड इनसाइड का. तो ये टारगेट है 1.3225 का, लेकिन उसके बाद एक एम पैटर्न का एक टारगेट बन सकता है दैट इज 1.28 के आसपास, लेकिन अभी नहीं, उसके बारे में बात करेंगे. लेट द प्राइस टू टच 1.32 1.3225, उसके बाद प्राइस कैसे बिहेव करता है वो हमें देखना पड़ेगा. ऑसी डॉलर काफ़ी तेजी दिख रहा है यहाँ पे 1.07121. डेली RSI भी काफ़ी तेजी में है और वीकली RSI भी काफ़ी तेजी में है. मंथली सिर्फ काफ़ी रूम है, मीन्स अभी 51.36 इमीडिएट रेजिस्टेंस के लिए काफ़ी रूम है. जो मंथली टाइम फ्रेम में जो रेजिस्टेंस लाइन है आपका 0.717125 उसी के आसपास आके प्राइस अटका हुआ है, रुका हुआ है. तो यहाँ पे बेसिकली हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना, ना ही लॉन्ग जाना है ना ही शॉर्ट जाना है विदाउट एनी कन्फर्मेशंस. एक कन्फर्मेशन आने दीजिए, अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है देन एंड ओनली देन वी कैन लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज. लेकिन यहाँ पे अगर कुछ इन्वर्टेड पिन बार टाइप का कुछ एक या नेगेटिव कैंडल का एक सिग्नल आता है वी मे इक्वली प्ले फॉर ए छोटा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज. डॉलर सी एन ए 6.7250 करेंटली है, ये भी एक रेंज में अटका हुआ है 6.69 एंड 6.7850 के बीच में. प्राइस को यहाँ पे कंसोलिडेट होने दीजिए. ये एक बार कंसोलिडेशन रेंज बाउंड मूव करने के बाद एक ब्रेकआउट होगा, तो लेकिन ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा वो देखने वाला बात है. RSI डेली अगर देखेंगे बियरिश फॉर्म्स में, सो पॉसिबिलिटी ऑन द लोअर साइड है. वीकली ऑल्सो एट क्रूशियल 40 लेवल्स. क्या ये ब्रेक फर्दर ब्रेक डाउन करेगा या यहीं से रेंज शिफ्ट या सपोर्ट लेके, नॉट एग्जैक्टली द रेंज शिफ्ट, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा. सो वी नीड टू वेट एंड वॉच द मार्केट कंसोलिडेशन दैट इज गोइंग ऑन एंड द ब्रेकआउट दैट मे फॉलो आफ्टर दैट. यूके ऑयल 87.39, अच्छा खासा प्राइस एक्शन चल रहा है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के लिए. सो अभी इमीडिएट जो चैलेंज है वो है आपका 89.50 से 90.00 के बीच में. सो इसके ऊपर अगर चला जाता है देन आवर टारगेट मे बी टुवर्ड्स 95.50 एरिया. अभी आता है US 10-year ट्रेजरी 3.516. कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन, मार्केट वेट कर रहा है फर्स्ट ऑफ फेब्रुअरी का FOMC रेट डिसीजन के लिए. तब तक थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे साइडवेज कंसोलिडेशन चलने का एक्सपेक्टेशन है. ज़्यादा कुछ वन साइडेड डायरेक्शंस इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं है बिकॉज द मेजर पॉलिसी मार्केट इज वेटिंग फॉर दैट. सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.